एचएफएसटी टेस्ट नंबर 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट ऊट क्लाउड। देखो अब ऊट क्लाउड एक नया टर्म है जो नहीं सुना है हमने पहले, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, अगर हो पाता है तो हमसे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज द मोस्ट डिस्टेंट रीजन इन अवर सोलर सिस्टम। हो सकता है बिकॉज अगर वो पास में होता तो हमने कभी ना कभी सुना होता, तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है। इट इज अ स्फेरिकल लेयर ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द एयर। ठीक है, यूजली जो सन के अराउंड घूमती हैं चीज़ें वो स्फेरिकल ही लेयर में होती हैं, मतलब इट इज सेइंग स्फेरिकल वैसे सर्कल में होती हैं, तो पॉसिबिलिटी है हाँ हो सकता है, और नहीं भी पता तो मैं गोला लगा रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता। इट इज प्रेडिक्टेड दैट इट इज द होम टू द लॉन्ग टर्म कॉमेट्स। देखो कॉमेट्स के अंदर आईसी सबस्टेंस होता है, तो अगर सेकंड स्टेटमेंट ठीक होता तो थर्ड होने की भी चांसेस काफी हाई हैं। तो इन केस इफ यू डोंट नो द आंसर, तो आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं इसमें। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको सिर्फ अवेयर करेगा इस टर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू सेज, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस विच सेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, वॉज गिवन बाय लैपलेस। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लैपलेस वर्कड अपॉन द नेबुलर हाइपोथेसिस एंड ही मोडिफाइड इट, बट दिस हाइपोथेसिस इट वॉज गिवन बाय इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत को आप लोग अपने उसमें भी पढ़ते हो, एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। नाउ नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड इज, बिग बैंग थ्योरी विच इज अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय ई ग्रेगर लेमिनेटर। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये स्टेटमेंट ठीक है। सो द आंसर इट इज आस्किंग इज करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट इज आंसर ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, अरेंज द फॉलोइंग मास एक्सटिंक्शंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। डेवोनियन एक्सटिंक्शन, देन परमीनियन मास एक्सटिंक्शन एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली हमें यही देखना है, डेवोनियन, परमियन और ट्रायसिक ये कब कब आए थे। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, द फर्स्ट वन इज योर डेवोनियन, उसके बाद परमियन पीरियड था, फिर ट्रायसिक पीरियड था। तो आपके ये ज्योग्राफी की 11th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हो जाना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन इज डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर। भाई ये सही बात है, जो मोस्ट फेवर्ड कंडीशन है वो टेम्परेचर में अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कंडेंसेशन होगा। स्लीट, हेल आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। ये रॉन्ग है, बिकॉज दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है बजाय कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। यहां पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन है ना कि कंडेंसेशन। थर्ड, हीट इज लॉस्ट इन द केस ऑफ कंडेंसेशन। ये स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड वन इज, फ्रॉस्ट इज द फॉर्म formed when condensation takes place below freezing point। ये statement भी ठीक है। So answer becomes option B because it is asking not correct। Next is question number 5। Consider the following statement in context of structure of atmosphere। तो पहला statement देख लेते हैं। Density is highest near the surface of the earth। Obviously density ज्यादा होती है earth के surface के पास। Why? Because सारा pressure, जैसे ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका अर्थ है, तो जितना प्रेशर होगा, सबसे मैक्सिमम प्रेशर कहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अर्थ सरफेस के पास। द एयर टेम्परेचर ऑफ एट ट्रोपोस्फेयर इज मोर एट द इक्वेटर देन एट पोल्स। देखो अब ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वाई? दिस इज अर्थ, ये आपका ट्रोपोस्फेयर कुछ ऐसी है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो मान लो ये दिस इज अर्थ, तो जो ट्रोपोस्फियर है इट इज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा जस्ट इग्नोर कीजिएगा, ये आई फॉर्म में बन गया,
पर मेरा पॉइंट ये है कि ये जो डिस्टेंस है पोल्स और ट्रोपोपोज के बीच में, ये है 8 किलोमीटर्स का, और ये जो डिफरेंस है ये है 18 किलोमीटर्स का। एंड वी नो एज वी गो अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जब 18 किलोमीटर ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर का डिक्लाइन ज्यादा होगा 8 किलोमीटर के बजाय। तो दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ एट ट्रोपोपोज एट इक्वेटर इज लेस देन एट द पोल्स। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3, मीजोपोज इज एन इंपॉर्टेंट लेयर फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। ये अगेन रॉन्ग है। इट इज आयनोस्फियर, आयनोस्फियर इज द लेयर। सो इट इज आस्किंग नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन एट द ट्रॉफिक्स। ये स्टेटमेंट ठीक है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है? तो देखो इक्वेटर पे क्या होगा, हीटिंग ज्यादा होती है तो क्लाउड्स ज्यादा होते हैं, और क्लाउड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इंसोलेशन कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हो गया आपका सही। हायर लैटिट्यूड रिसीव्स लो इंसोलेशन ड्यू टू मार्क मेकिंग ऑफ हायर एंगल विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। वाई? देखो जब आपका जो इक्वेटर है उस पे जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री का है, वहीं जो इंक्लिनेशन होगा हायर लैटिट्यूड्स में वो 90 से कम हो जाएगा। तो इट इज ड्यू टू लोअर एंगल रेदर देन हायर एंगल। तो ये लोअर होना चाहिए था वर्ड यहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर ओशंस देन ओवर द कॉन्टिनेंट। द स्टेटमेंट इज सही है रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग है। सेम लैटिट्यूड पे जो इंसोलेशन होगा वो कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा होगा बजाय ओशन की। वाई? बिकॉज ओशंस के अंदर क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड बनने की वजह से वहां पे इंसोलेशन कम हो जाएगी। कॉन्टिनेंट्स पे क्लाउड फॉर्मेशन कम होता है तो इंसोलेशन ज्यादा रहती है। नाउ इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन एंड दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन। थर्मोक्लाइन इज द बाउंड्री विच जॉइंस रीजन ऑफ इक्वल टेम्परेचर इन द ओशन। थर्मोक्लाइन क्या वो लाइन है जिससे इक्वल टेम्परेचर ऑफ द रीजन ज्वाइन होते हैं? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जहां पे देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द टेम्परेचर। सेकंड इज अराउंड 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। इट वॉज अ फाइट टू अटेन इंडिपेंडेंस टेकिंग एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। दिस इज रॉन्ग। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी, एंड गांधी जी नेवर वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज मियरली स्टार्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द ग्राउंड्स फॉर अ लार्जर मूवमेंट। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट वॉज आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट इज इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू अगस्त ऑफर। द स्टेटमेंट इज राइट। सो अगस्त ऑफर केम इन 1940s, एंड 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज इन द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिप्स मिशन। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इट रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड टर्न डाउन मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। द स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, इट प्रोवाइडेड फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट टू बी इंडियंस। द स्टेटमेंट इज अगेन राइट। देखो बेसिक प्लान है कैबिनेट मिशन का। शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड टू डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज इन रिस्पॉन्स टू द वेवल प्लान। वो वेवल प्लान के रिस्पॉन्स में थी बजाय शिमला कॉन्फ्रेंस बजाय कैबिनेट मिशन के। तो इट इज आस्किंग करेक्ट। तो 1 और 2 होना चाहिए हमारा आंसर। ऑप्शन बिकम्स सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर स्टेटेड डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय क्रिप्स मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। ओके, फर्स्ट वन इज मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, ये बोला था महात्मा गांधी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आई थिंक ये गलत नहीं होना चाहिए।
ये स्टेटमेंट आप याद रख लो, इट वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 11. विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट एमर्ज एज अ फ्रैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्या ये फ्रैक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसमें आई थी? तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. द पार्टी वॉज डिसॉल्व्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इट फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी इटसेल्फ. द स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. नेक्स्ट इज द पार्टी लीन्ड आइडियोलॉजिकली टुवर्ड्स सोशलिस्ट एंड मार्क्सिज्म. The statement is right because forward block, Subhash Chandra Bose was associated with this. So here the answer becomes correct. Pooch raha, the answer becomes option C, 1 and 3 only. Question number 12. Which of the following was or were the part of C. Rajagopalachari formula? League should immediately support independence for India and cooperate in interim government. The statement is right. Second. Muslim majority areas to exercise right of self-determination immediately. The statement was wrong. वो ये था कि बाद में there will be a consensus. अगर consensus बनता है तो ये कर सकते हैं. Congress accepted the two nation theory. ये statement भी wrong है. Congress ने accept नहीं किया था. So here the answer becomes option A, that is one only. Next is question number 13. Quit India movement was launched in response to. It was कैबिनेट मिशन. जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी किसके रिस्पॉन्स में आया था? अभी बताया था मैंने, इट वॉज क्रिप्स मिशन. ये 1946 में आया था, ये 1942 में आया था, ये तो 1927 में आया था. तो वीवल प्लान वॉज अगेन 1945-46 के अराउंड था ये. देन क्वेश्चन नंबर 14. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो अब आ गया अपना आर्ट एंड कल्चर. सामवेद. सामवेद का मतलब क्या? समा. समा कैसे होता है? समा कैसे बनता है आपका? म्यूजिक वगैरह से बनता है. तो समा इज रिलेटेड विद योर कंपाइलेशन ऑफ ट्यून्स एंड चैंट्स. तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका रॉन्ग. फिर यजुर्वेद. यजुर आपका किससे साथ है? यजुर का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस करना. यज्ञ मतलब मैंने जैसे याद किया है यज्ञ यजुर. तो यज्ञ में हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं, आहुति देते हैं. तो इससे हो गया सेक्रीफाइस. देन आपका आता अथर्ववेद. अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में आपका रहता है चार्म्स एंड स्मेल्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स. देन ऋग्वेद है. ऋग्वेद सबसे पहला था, इसमें क्या थे? हिम्स एंड प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स. तो ये आपको याद रखना है. ऋग्वेद इज रिलेटेड विद, जो पहला वेद था वो ऋग्वेद था. ऋग्वेद के अंदर क्या था? बेसिक पूजा की वो मंत्र वगैरह और ये सब चीजें दी हुई हैं. तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट. देन आपका सामवेद आता है, जो आपकी पूजा की जो आरती वगैरह दी उसको गाया भी तो जाएगा ना, तो आ जाएंगे सामवेद में, सेकेंड में. फिर आपका आ जाएगा यजुर्वेद. यजुर्वेद में आ जाएंगे रूल्स वगैरह क्या होंगे, किस तरह से आपका आहुति देनी है. और अथर्ववेद में आ जाएंगे चार्म्स स्पेल्स वगैरह, मंत्र उच्चारण वगैरह, जो कि इविल स्पिरिट्स को दूर रखे. तो ये आपके चार हो जाएंगे. तो क्वेश्चन पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द सुलेह कुल. तो सुलेह कुल वी नो इट वॉज अकबर. तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ऑप्शन आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 16. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जोरवे कल्चर. जोरवे कल्चर के हिसाब से, जोरवे कल्चर आपका किसमें आता है? हरप्पन या मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में आता है. द कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द टाइप साइट ऑफ जोरवे इन मध्य प्रदेश. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वॉज इन महाराष्ट्र. इट वॉज इन महाराष्ट्र. द पर्व गोदावरी वैली इज द न्यूक्लियर जोन ऑफ जोरवे कल्चर. द स्टेटमेंट इज राइट. न्यूक्लियर जोन का मतलब कि मेजर एरिया कहां था, बेसिक का कोर कहां पर था, दैट मीन्स न्यूक्लियर जोन. यूनिक फीचर ऑफ दिस कल्चर इज द एब्सेंस ऑफ सेटल्ड कल्चर. दिस अगेन इज रॉन्ग. सेटल्ड एग्रीकल्चर था तभी तो वो लोग बस पाए वहां पे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली. वन को रॉन्ग करोगे तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्योंकि थर्ड तो लॉजिकल है. 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग With reference to lymphatic filariasis, consider the following. देखो lymphatic filariasis क्या होता है? It is elephantiasis. Elephantiasis. Elephantiasis disease को हम बोलते हैं lymphatic filariasis. It is mainly caused by Wisteria bancrofti, transmitted by Culex mosquito.
द स्टेटमेंट इज राइट, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज कॉज बाय विस्टीरिया ब्रोंकॉफ्टी ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो. तो एक आपको चीज जो करनी है, जो मॉस्किटोज हैं, वेरियस मॉस्किटोज हैं आपके, उन मॉस्किटोज के टाइप होते हैं, क्यूलेक्स हो गया, एंडीज हो गया, इन मॉस्किटोज से कौन से डिजीजेस फैलती हैं, इनकी आप एक लिस्ट बना लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट, इट इवेंचुअली कुड लीड टू डेथ. नहीं, ये मतलब कि फेटल नहीं इस तरह से, बट हाँ, जैसे एलिफेंटियासिस में क्या होता है, आपका पैर बहुत मोटा हो जाता है, तो ये एक परमानेंट डैमेज कर सकता है बॉडी के अंदर. नेक्स्ट इज ट्रिपल ड्रग थेरेपी इज रिलेटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस. ये स्टेटमेंट ठीक है. सो देखो, अगर सेकेंड को हटा देते हो तो आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 3 ओनली. कई बार हमारे दिमाग में एक टेम्पटेशन आती है, जैसे आप पहले ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में क्या टेम्पटेशन आएगी आपको, यार फर्स्ट स्टेटमेंट तीन जगह आ रहा है तो हो सकता है ये रॉन्ग हो, तो आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा. तो ये प्लीज यूज मत करना टेक्निक, बिकॉज यूपीएससी इज टारगेटिंग दिस थिंग. तो ये जो ऑप्शंस को डिकोड करने वाली जो चीज है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस. मतलब कि यू रीड द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट फर्स्ट, पहले इन तीन स्टेटमेंट को पढ़ो, इनको पढ़ के देखो कि आपको कौन सी स्टेटमेंट के बारे में पता है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाओ, फिर एलिमिनेशन लगाओ ऑप्शंस के अंदर, राइट. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूनेस्को डिजिग्नेट्स एनी पब्लिक और प्राइवेट लैंड विद अ डिस्टिंग्विश्ड नॉक्चुरल एनवायरनमेंट स्टेरी नाइट्स एट डार्क रिजर्व. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज नॉट यूनेस्को, इट इज इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व. तो जो इसको बोलता है वो बोलता है इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व. तो ये हो सकता है आपके लिए नई नॉलेज हो, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज एक न्यू थिंग आपके सामने आई है डार्क रिजर्व की. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया फर्स्ट डायस्कर रिजर्व विल बी इन लद्दाख. द स्टेटमेंट इज राइट. तो दिस क्वेश्चन आई विल कंसिडर कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, रेदर देन आपको टेस्ट करने के लिए. तो अगर गलत भी होता तो हैव पीस विद इट, ये आपको अगली बार गलत नहीं होना चाहिए, अब चल जाएगा गलत हो रहा है तो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकॉस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स द टर्म रिवर्बेशंस. रिवर्बेशंस को कौन बेटर डिफाइन करता है. इट इज फिनोमेना वेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ साउंड्स डिसिबल्स अकर आफ्टर साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, एनी और ऑल नॉइजेस इन रूम व्हेन प्राइमरी सोर्स इज द ऑफ साउंड इज ऑफ. साउंड्स दैट ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द रिसीविंग स्पेस primarily via solid material. It is a phenomena where sound persists after a sound is produced. तो देखो, reverberations का मतलब क्या होता है, कि बार बार एक ही चीज को सुनते रहना. तो जो लास्ट वाला है ये ज्यादा बेटर रिलेट करता है, क्योंकि एक बार आपने साउंड प्रोड्यूस की, जैसे गोल गुंबज है, गोल गुंबज में आपकी साउंड 8 बार सुनाई देती है, आप एक बार बोलोगे तो 8 बार साउंड सुनाई देगी. तो दैट इज reverberation, कि आपकी जो साउंड हो आपके बोलने के बाद भी persist कर रही है, कि बार बार वो साउंड अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है. दैट इज आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. तो ये आई थिंक ये नाम से ही आप कर पाओगे, तो इट्स नॉट अ दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज इनकरेक्ट. तो वोल्टे के बारे में है ये. तो वोल्टे के बारे में इट इज सेइंग इट इज हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल फोन्स एंड डेटा टर्मिनल्स. तो हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन है ये, है तो, पर आगे देखते हैं और क्या है. इट यूजेस हाई बैंडविड्थ, मतलब ये सही बात है स्टेटमेंट. तो इट यूजेस हाई बैंडविड्थ देन प्रीवियस 2G एंड 3G टेक्नोलॉजीज. ये स्टेटमेंट आपकी सही है, रॉन्ग है. इट इज रॉन्ग. इट यूजेस अ लो बैंडविड्थ, ये छोटी बैंडविड्थ को यूज करता है. तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग. नेक्स्ट इज Under voice over long term evolution, 4G data can be accessible even during calls. ये statement ठीक है. अब हम calls के time पे भी internet को चला पाते हैं. पहले अगर आपको याद हो 3G के time पे you are not able to use the, मतलब कि आप internet को use नहीं कर पाते थे अगर call आ जाए तो. उससे next आ जाएगा आपका voice over long term evolution allows real time language translation. ये statement भी ठीक है, because speed ज़्यादा है उसका. So answer here becomes option B, that is it uses high bandwidth than previous 2G and 3G technologies. Next, चलते हैं question number 21 के ऊपर. Question number 21 says, consider the following statement about biomineralization.
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मिनरल्स ओफन बाय हार्डनिंग और स्टिफनिंग एग्जिस्टिंग टिश्यूज. द स्टेटमेंट इज ठीक, मतलब स्टेटमेंट इज राइट, सॉरी. मिनरलाइजेशन में क्या होता है, मिनरलाइजेशन में आप किसी भी चीज में मिनरल्स डाल देते हो तो ऑलरेडी जो टिश्यूज हैं वो हार्डन हो जाएंगे अगर उसमें मिनरल जाएगा तो. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन इन अ वराइटी ऑफ माइक्रोब्स कैन बी आइसोलेटेड एंड क्लोन इन द प्रोसेस. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं. मतलब जीन है ना बच्चे, तो आप जीन तो किसी भी चीज का अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको तो हम लोग अलग से निकाल सकते हैं. तो इसने बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब कि अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट डाला है कि आप कॉमन सेंस लगाओगे या नहीं लगाओगे. तो इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. रियली सॉरी फॉर दिस, बट वही है, कोल्ड इज नॉट गोइंग बैक, कफ इज स्टिल देयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. विद रेफरेंस टू नॉन मेटल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Unlike metals, they are malleable but ductile in nature. Wrong. Non-metals are not malleable, they are not ductile. Metals are malleable and ductile. Next is, they are good conductors of heat and electricity. ये भी गलत है. मतलब कि जो non-metals हैं वो good conductors of heat and electricity होते हैं या नहीं होते हैं. तो basically, metals are good conductors of heat and electricity. तो ये नहीं होते हैं. Third one is, they react with hydrogen of dilute acids to form hydrides. वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद they form dilute acids from hydrides. ये स्टेटमेंट ठीक है. वो यूजली एसिड्स बनाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड बनाते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिस बनाते हैं. सो हियर द आंसर बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट में आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन एंड टू ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 सेज विच विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड अ वे ऑफ स्टडिंग द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इन ए फ्रूट फ्लाई. अब देखो इसका मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है. आगे की स्टेटमेंट देख लेते हैं. द न्यूक्लियर मतलब ये करंट अफेयर से रिलेट करेगा. करंट अफेयर के बारे में पता है तो आप इसको कर पाओगे. The nuclear matrix is scaffolding that help package the genome differently in different types of cell. ये स्टेटमेंट सही लग रहा है. मतलब कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स कोई है तो मैट्रिक्स का काम क्या होता है कि वो पैकेजिंग वगैरह कर पाए, उसको एक स्पेस दे पाए कहाँ और कैसे उसे रहना है. तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत नहीं लग रहा, तो इसको मैं सही मान लूंगा. इट हेल्प्स टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ प्रिसाइसली डेवलपमेंट प्रोग्रेस एवरी टाइम अ न्यू इंडिविजुअल इज बॉर्न. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. मतलब ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स से वी कैन आइडेंटिफाई, ऐसा कुछ गलत लग नहीं रहा मुझे इसमें. सो इन केस तो आई शुड हैव ईदर वन और सी एज माय आंसर. तो ठीक है, 50-50 पे हम आ गए हैं. आंसर इसका है ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है आपका, क्योंकि इट इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज CSIR. तो देखो थोड़ा सा हमने नॉलेज इसमें कम लगाया कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैसे करेगा, तो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके पास कोई साइंटिस्ट थोड़ा है, वो तो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो मैनेज करता है चीज़ों को. तो साइंटिस्ट इस चीज़ को करेंगे, तो CSIR या कोई और इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च में इन्वॉल्व है वो करेगा उसको. तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हो जाएंगे. तो ऑल दो आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन एज सच, पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो this question would have been a very easy one, because Department of Biotechnology decision लेता है, funds देता है, वो research नहीं करता. जैसे Ministry of Finance है, तो Ministry of Finance क्या है, आपको मतलब कि reports जो होंगे वो Ministry of Finance को आएंगी. Ministry of Finance खुद थोड़ा ना बैठ के reports बनाता है कभी. तो research work जो है वो outsource किया जाता है specialized institutions को. तो सेम वे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें स्ट्राइक करना चाहिए था. अगर हम उसको स्ट्राइक कर लेते तो हमारा आंसर इजीली आ जाता. तो वही है, रश करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में ये क्वेश्चन एक पोटेंशियल क्वेश्चन था जो छूट गया. एनीवे आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन राइट, बट हमने इस पोटेंशियल क्वेश्चन को नहीं किया. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Recently, emission gap report of 2022, the closing window climate crisis call for rapid transformation of societies has been released by which of the following organization?
तो इसको रिलीज किया है यूएनईपी ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द लाइट पोल्यूशन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है लाइट पोल्यूशन का, तो लाइट पोल्यूशन का कंपोनेंट कौन सा होगा इसमें, ग्लेयर, ग्लेयर हो सकता है। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, जो एकदम से तेज रोशनी आपकी आंखों में आती है, तो स्टेटमेंट ठीक है। स्काई ग्लो भी हो सकता है, जो स्काई में हम लोग देखते हैं ना प्रोजेक्शन जाते हैं लाइट की, वो भी हो सकता है। देन ट्रेसपास भी हो सकता है और क्लटर भी हो सकता है। तो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 चारों ही होते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार इंटरनेट पे जाके इनके थोड़ा फोटोज वगैरह देख लें ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। सेंटर हैज डिसाइडेड टू रिवाइव गोल्ड माइनिंग एट द कोलार फील्ड इन कर्नाटका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड ओर इन इंडिया, ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड ओर इज लोकेटेड इन बिहार, तो लार्जेस्ट सोर्स है गोल्ड ओर का वो बिहार में लोकेट करता है, द स्टेटमेंट इज राइट। ये देखो स्ट्राइकिंग चीज है हमारे लिए, हमारे दिमाग में जो था कर्नाटका इज द लार्जेस्ट सोर्स, बट नहीं, बिहार इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड, 44% गोल्ड है वहां पर इंडिया का। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट ठीक है। हुट्टी गोल्ड फील्ड इज प्रेजेंट इन राजस्थान, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हुट्टी माइंस आर प्रेजेंट इन कर्नाटका, ये कर्नाटका के अंदर है, राजस्थान के अंदर नहीं है। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ ग्लाइकोफोसेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, द स्टेट मतलब आपको पता है नहीं पता वो डिपेंड करता है। ग्लाइसोइट एक हर्बिसाइड है, इट इज नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये है कि आप किसी भी कहीं पे भी डाल दो ये वर्क करता है, सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट पे ये वर्क करे, तो इट इज मोर लेस यूनिवर्सल। आप बस इसको फेंक दो तो जितने भी हर्ब्स वगैरह हर्बिसाइड्स जितने भी वहां पे जो भी फालतू की चीजें हैं वो वहां पे हट जाएंगी। इट इज यूज टू क्लियर ऑल काइंड ऑफ वीड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, ऑब्वियसली जब नॉन सिलेक्टिव है तो सारी काइंड ऑफ वीड्स को करेगा, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को रिइंफोर्स कर रही है। तो अगर फर्स्ट राइट है तो सेकंड भी राइट होगा, सेकंड राइट तो फर्स्ट भी राइट होगा। और देखो ऑप्शन भी ऐसे ही है, तो आप ऑप्शंस में से वो ऑप्शन हटा दोगे जहां पे 2, 1 और 2 इकट्ठे नहीं हो। द मेजर कंजम्पशन इज डन इन द ऑर्किड एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन D, 1, 2 and 3। तो नहीं पता था तो अब इसके बाद पता चल जाएगा, बट यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाओगे जस्ट बाय मेयरली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है स्टेटमेंट। तो ये इसमें देखना होता है, कई बार ऐसी स्टेटमेंट आएंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, तो वहां पे आप कुछ हद तक कुछ एलिमिनेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप दो स्टेटमेंट्स को तो एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। The tidal disruption effect is related to, तो it is related to option B, air circulation at polar region. नहीं sorry, the tidal effect, the tidal disruption effect, tidal disruption effect is not to air circulation, it is to black holes. ये black hole से relate करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो side वाला अगर किसी black hole के side में, मान लो ये black hole है, इसके side में अगर कोई star है तो इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है कि ये इस स्टार को डिस्टॉर्ट कर देगा इस तरह से कुछ, तो इसको हम बोलते हैं टाइडल डिसरप्शन इफेक्ट। टाइडल फोर्स है ना ये एक तरह से, तो ये इस स्टार को ही बीच में से तोड़ देता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो ORS हम लोग पीते हैं कब, लूज मोशन वगैरह के लिए, उसके लिए है ये। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो प्रोटीन्स आर हैवी टू डाइजेस्ट, तो जब हम मतलब लूज मोशन वगैरह होंगे तो क्या लेंगे हम लोग, लाइटर सब्सटेंसेस, लाइटर सब्सटेंसेस आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाना चाहिए बाय लॉजिक ओनली, तो लॉजिक से एक स्टेटमेंट हटा सकते हो। नेक्स्ट, कॉम्पोनेंट्स मिक्सड सच एज पोटेशियम सोडियम मैक्सिमाइज फ्लूड एब्जॉर्प्शन इन दी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात, हम लोग उसमें मिनरल्स वगैरह सॉल्ट्स वगैरह डालते हैं। इवन नींबू पानी जो आप पीते हो कभी, तो नींबू पानी हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, और आप उसमें क्या डाल देते हो, दूसरा चीनी और नमक डालते हो, तो क्यों होता है, ताकि आप मिनरलाइज हो उसको, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही।
तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 सेज, विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. शम अल शेख समिट, फूड एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव. द स्टेटमेंट इज, मतलब कि अगर करंट अफेयर पढ़ा तो स्टेटमेंट राइट रहेगा. ग्लासगो समिट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये रॉन्ग है, ये आपको याद रहना चाहिए. इट हैपेंड इन कैनकन, ये कैनकन में हुआ था ना कि ग्लासगो में. थर्ड वन इज पेरिस क्लाइमेट, पेरिस समिट, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है. पहले सीडीएम था हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल से, उससे हम लेके आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म. तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमने स्विच किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में पेरिस समिट में. मैड्रिड समिट इज क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, अब ये मुझे नहीं पता, देख लेते हैं अब आगे आंसर क्या बन सकता है. तो फर्स्ट और थर्ड तो सही होने चाहिए, तो एनीवे ये तो हट जाएगा और ये भी हट जाएगा. तो आंसर हेयर इज फोर्थ वन इज राइट, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. तो ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो. बाकी जो उसने पूछे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समिट्स का पूछा, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड का पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको पता होना चाहिए कब आया था ये. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म का हमें पता होना चाहिए, क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस का हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यूएनएफसीसी से रिलेट करता है ना. तो जितने भी समिट्स हैं ऑलरेडी आपकी शंकर आईएएस बुक में दिया हुआ है, तो उसका एक लिस्ट बना लो अपने लिए. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स नोट वन ऑफ द ग्लेशियस लेक, इनमें से कौन सा ग्लेशियर लेक नहीं है. तो ग्लेशियर लेक इज नॉट रुद्र सागर, रुद्र सागर इज इन त्रिपुरा, ये आपका ग्लेशियर लेक नहीं है. वहां पे वैसे भी ग्लेशियर्स मिलते नहीं, तो ग्लेशियर लेक बन भी नहीं सकता वो. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, रुद्र सागर लेक. तो ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, रुद्र सागर लेक इज वन ऑफ द रामसर साइट्स एज वेल, ये आपको याद रहना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम. प्लैंकटोन्स आर द स्पीशीज सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स दैट लिव इन एयर वाटर सरफेस. देखो प्लैंकटोन्स आर द फ्लोटिंग स्पीशीज, आर द फ्लोटिंग प्लांट्स, ये प्लांट्स नहीं होते. पहली चीज ये है, ये एल्गी डायरिया प्रोटोजोआ वगैरह होते, ये माइक्रोब्स होते हैं, तो दे आर नॉट प्लांट्स, तो ये तो कट जाएगा. न्यूस्टॉन्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हु कैन स्विम अगेंस्ट द करंट. जो न्यूस्टॉन्स होते हैं दे आर स्टेशनरी. और एक होते नेक्टॉन्स, नेक्टन नेक्टॉन्सोन्स, ये होते हैं आपके फ्लोटिंग, इन ये स्ट्रॉन्ग करंट के अगेंस्ट फ्लो कर सकते हैं. तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे स्टेटमेंट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट और रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, नीदर वन नोर टू. क्वेश्चन नंबर 33. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन होर्न डायनासोर इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन आसाम. तो हमारे दिमाग में जो आंसर आता है वो आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, बट दिस इज रॉन्ग. द आंसर हेयर इज योर प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसको याद रखना, हाईएस्ट वन होर्न डायनासोरस की जो पॉपुलेशन है वो मिलती है हमें प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सिंगालीला नेशनल पार्क इज द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तराखंड. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग के अंदर है, वेस्ट बंगाल में. तो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग. पद्माजा नायडू पार्क दार्जिलिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेटिट्यूड ज़ूज़ इन द कंट्री, इन द कंट्री. ये स्टेटमेंट आपका सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. With reference to National Forest Policy 1952, consider the following statement. It is proposed for the first time that total of 18% of total geographical area of India should be covered by forest of the trees. देखो 18% क्यों? हम हमेशा से 1/3 का टारगेट रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए कि 1/3 of our area should be covered by forest. Second, it provides a top-down approach of forest management, obviously. प्लानिंग कमीशन के टाइम पे ये आया था, तो प्लानिंग कमीशन हमारी टॉप डाउन अप्रोच से ही फॉलो करती थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है मुझे. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली होगा कि भाई हम डिफेंस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए टिम्बर प्रोड्यूस करें, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो इनमें से कौन से करेक्ट है, तो बन जाएगा ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली.
क्वेश्चन नंबर 36, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैपिटल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से इंक्लूडेड हैं। द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट अगर बोरो कर रहा है तो लोन है तो उतारना ही पड़ेगा, तो कैपिटल बजट में आ जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, देखो रिकवरी ऑफ लोन है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, तो ये भी आ जाएगा कैपिटल के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये रेवेन्यू के अंदर आता है इंटरेस्ट हमारा। देन एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। तो जो एक्सपेंडिचर किसके लिए है, एसेट्स के लिए, तो एसेट्स हमारे किसमें आते हैं, कैपिटल के अंदर। देन फिफ्थ वन इज डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये भी किसमें आएगा, कैपिटल में, क्योंकि बेचकर मिला है। देन नेक्स्ट इज डीआरडीओ सेल्स सम टेक्नोलॉजी पेटेंट प्रोडक्ट टू अदर पीएसयूज और फॉरेन गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो एक बार बेच दिया फिर दोबारा बेचेंगे, तो इट इज जस्ट लाइक सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो ये आपका ट्रेड वाला हो जाएगा कि आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये रेवेन्यू में आएगा आपका। सो थ्री एंड सिक्स को हम लोग हटा देते हैं, तो थ्री और सिक्स आपका यहां से हट गया और इसमें से तो हटेगा ही, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 1, 2, 4 and 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिशर इफेक्ट। अब फिशर इफेक्ट क्या होता है, जो आपका फिशर इफेक्ट होता है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम बोलते हैं फिशर इफेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है भी नहीं मेरे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द इम्पैक्ट और इम्पोजिशन ऑफ पिगोवियन टैक्स ऑन द इकॉनमी। इट प्रमोट्स मार्केट एफिशिएंसी इन द इकॉनमी। द स्टेटमेंट इज राइट, पिगोवियन टैक्स में क्या होता है कि जो आपके ऐसे खर्चे हैं जो कि आप मतलब कि दे हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, उनको उनके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, तो एक तरह से मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव ही करेगा। सेकंड, इट इज इजी टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पिगोवियन टैक्स टू बी इम्पोज्ड, ये रॉन्ग है, वो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हम पता लगाएंगे किसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सिगरेट पीना है, इट इज अगर उसमें कोई टैक्स लगता है उसमें बोल देंगे पिगोवियन टैक्स। इट डिस्क्रेजेस द कंजम्पशन ऑफ गुड्स दैट क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये तो सही है, मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशन है। सो इसने पूछा है करेक्ट, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इट इज अ पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड ओल्ड एज सिक्योरिटी टू द सिटीजंस। द स्टेटमेंट इज राइट, प्रेजेंटली एनी इंडियन सिटीजन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बिटवीन द एज ऑफ 60 to 65 कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, 65 की एज तक आप ज्वाइन कर सकते हो। एनपीएस इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट भी राइट है क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम है। सो करेक्ट करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट सही है, वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट एनपीएस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स बाय 2024। In this context, consider the following statement. The entire cost of rice fortification or distribution across government schemes would be borne by the government, by the center. Ye statement theek hai. In India, rice is fortified using extrusion technology. Ye statement bhi theek hai. So here the answer becomes option C, both 1 and 2. Next is question number 41. Consider the following with respect to Aadhaar payment bridge system. It is implemented by Reserve Bank of India. The statement is wrong. ये Reserve Bank of India इसको implement नहीं कर रहा है. Second is IIN is a 6-digit number issued by NPCI to every if देखो NPCI बोला ना इसने, तो पहले और second statement अपने आप को refute कर रही है, तो it should be implemented by NPCI rather than Reserve Bank of India. Participating bank to uniquely identify a bank to which APB transaction has to be routed. तो it is not a 6-digit number. ये 6-digit number नहीं होगा. So second statement भी wrong हो जाएगा, तो answer here becomes option D, neither 1 nor 2. Next is question number 42. Question number 42 says, with reference to Attorney General and Solicitor General, consider the following statement.
The Solicitor General of India and the Additional Solicitor General of India have been mentioned under Article 76 of the Indian Constitution. तो देखो जो सोलिसिटर जनरल है और जो ASG है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ओनली अटॉर्नी जनरल हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 76. तो ये तो हो जाएगा गलत. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा रॉन्ग. सोलिसिटर जनरल को अलाउड नहीं होता, सिर्फ अटॉर्नी जनरल को अलाउड होता है. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो हेयर द आंसर बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, नीदर वन नोर टू. क्वेश्चन नंबर 43. 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 इनकरेक्ट क्या है. इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन टू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज. बिल्कुल सही है. आर्टिकल 91, आर्टिकल 19 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया. देन एक अलग से पार्ट बना गया, पार्ट 9B. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है. इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट. ये बिल्कुल सही, आर्टिकल 19 के अंदर इसको ऐड किया है. देन यू हैव नेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्टेट कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन सिंगल स्टेट. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ये सिंगल स्टेट में जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क नहीं करता. इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये तो बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक नया ऐड कर दिया था. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू जुरिसडिक्शन पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग. द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज नॉट एक्सक्लूसिव. इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, सही बात है, क्योंकि हाई कोर्ट भी उसके अंदर, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर्स हैं. प्रेजिडेंट कैन कॉन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. देखो जो भी काम ऐसा होगा वो पार्लियामेंट करेगा, प्रेजिडेंट नहीं. तो इट इज द पार्लियामेंट विच कैन इशू. तो आंसर ये हो जाएगा रॉन्ग. नेक्स्ट आपका बन जाएगा रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट. ये अगेन रॉन्ग है, हाई कोर्ट की ज्यादा वाइडर है बजाय सुप्रीम कोर्ट की. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 45 आपका कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज ले डाउन इन आर्टिकल 368. The constitutional amendment bill can be introduced only in Lok Sabha. No, it can introduced in Lok Sabha as well as Rajya Sabha. किसी में भी हम introduce कर सकते हैं. The constitutional amendment bill cannot be introduced by a private member of the house since it requires prior permission of the president. First of all, it can be introduced. Second, it does not require the permission. तो दोनों statement इसमें wrong है. There is no provision for holding a joint sitting of the two houses in case of disagreement on constitutional amendment bill. ये बिल्कुल सही है. कोई भी प्रोविजन नहीं है, जॉइंट सिटिंग इसमें अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मस्ट बी मैंडेटरली गिवन हिज असेंट टू द बिल. देखो ओरिजिनल में नहीं था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 24 के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. With reference to National Skill Qualification Framework, which of the following statement given below is or are correct? The NSQF is a learner. A learner can acquire the certification competency only through formal learning. ये गलत है. जो ये framework है ये provide करता है कि कोई कहीं से भी सीखता है, उसके पास वो competency अगर है तो उसको एक certificate दिया जाएगा. तो ये statement आपका wrong हो जाएगा. Second, an outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. This statement is right. So answer becomes option B, that is 2 only. Next, consider the following in respect of the Indian Ocean Naval Symposium. ठीक है, इसका देख लेते हैं. Under inaugural INOS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. देखो ये सही है, पर जो ये है ये 2008 था, 15 नहीं है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड, IONS इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन बिटवीन नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन. दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 48. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ट्रेडिशन और कम्युनिटीज. चैलिया साहिब फेस्टिवल सिंधीज. दिस स्टेटमेंट इज राइट.
नंदा राज जाट यात्रा गोंड्स। अब देखो ये नहीं पता होगा तो ये रॉन्ग है। देन वारी वाकरी इन संथल्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस, उसमें देर इज अ लिस्ट गिवन रिगार्डिंग दीज फेस्टिवल्स। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ये स्टेटमेंट ठीक है। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, ये भी सही है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, ये स्टेटमेंट भी राइट है क्योंकि वो क्रॉप रेसिड्यूज की वजह से इवेपोरेशन कम होगा, तो दिस इज ऑल्सो राइट। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही काम करते हैं वाटर कंजर्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर द इरीगेशन, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सॉयल हेल्थ कार्ड का एक पर्पज है कि जो सॉयल है उसकी हेल्थ को देखना, सो दैट इट कैन हेल्प फार्मर इन एक्सेसिंग कि कितना उसको उसमें फर्टिलाइजर डालना है। इनेबलिंग बैंक्स टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड, ये भी रॉन्ग है, ये लोन ग्रांटिंग के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करता। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्मलैंड्स, ये सही है, सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी। सॉयल हेल्थ कार्ड का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपकी सॉयल में क्या न्यूट्रेंट की कमी है और क्या न्यूट्रेंट एक्सेस में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन से फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशंस ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर इज इन इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट्स। राइट एम एट इंडिविजुअल गुड ओनली, नो। सोशल गुड ओनली, ये भी नहीं होगा। राइट एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, ये स्टेटमेंट सही है। देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन एंड सोसाइटी, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52, आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन विच द पोजिशन ऑफ रमेश वॉज 22nd फ्रॉम द टॉप। तो देखो पहले 52 में से आप हटा दो 15 को, तो कितने बच गया, 37 स्टूडेंट्स बच गए। तो 37 स्टूडेंट्स में जो उसकी पोजीशन वो 22 है ऊपर से, तो नीचे से क्या पोजीशन आ जाएगी उसकी, या तो उसको गिन लेना, गिनोगे तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 16th पोजीशन है उनकी पीछे से अगर हम गिनेंगे तो। 53rd देख लेते हैं, ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, तो अगर ए प्लस बी को मैं देखूँ तो क्या होगा, ए इज सन ऑफ बी, तो सन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो यानी ए माइनस बी अगर बोला जाएगा तो ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में पी आर क्यू, पी आर माइनस क्यू क्या होगा, तो पी तो हो जाएगा आर का सन, तो ये तो हो जाएगा सन, एंड आर इज वाइफ ऑफ क्यू, यही बनेगा ना इसका। सो हेयर द क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन सही है, क्यू इज सन ऑफ पी, नो। क्यू इज वाइफ ऑफ पी, ये भी गलत है, वो हस्बैंड है। क्यू इज फादर ऑफ पी, ये सही है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड होल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस, वट विल बी गोपाल पोजिशन इफ ही एग्रीड। देखो मान लो राम ने एक सेल फोन खरीदा 100 रुपये का या 1000 रुपये का लगा लो, तो 1000 रुपये का उसने बेचा तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 10% प्रॉफिट में उसने उसको खरीद लिया। नाउ ही वॉन्ट्स टू, इसको दोबारा करते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। तो मान लो राम का जो कॉस्ट प्राइस था उस सेल फोन का वो था 1000 रुपये, सॉरी गोपाल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था उसका 1000 रुपये। अब वो जब राम को सेल कर रहा था 10% प्रॉफिट पे कर रहा है, तो राम को ये कितने में मिलेगा, 10% प्रॉफिट पे, तो 1.1 × 1000 कर देंगे, 10% प्रॉफिट तभी बनेगा ना आपका, तो ये हो जाएगा 1100 का फोन उसने उसको बेच दिया। अब राम उसको वापस करना चाहता है 10% लॉस पे, तो 10% लॉस किसका होगा, राम का। राम का 10% लॉस कैसे होगा, राम का 10% लॉस इस तरह से होगा कि ही इज सेलिंग एट 10% लॉस, तो 10% लॉस का मतलब क्या होगा, इंटू 0.9, तो राम विल बी सेलिंग इट एज 990 रुपीज, 990 रुपीज पे उसको गोपाल को वापस कर देगा। तो गोपाल की पोजीशन क्या होगी अगर वो एग्री करता है, तो गोपाल को 1000 रुपये का पड़ा था सेलफोन, ठीक है, उसने उसको 1100 का बेच दिया।
अब वापस वो 990 रुपीज में उसको ले रहा है, तो उसको क्या है 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर, फोन भी वापस मिल गया और 10% का प्रॉफिट भी हो गया। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज गेन ऑफ 1%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। देर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स, थ्री स्पाइडर ए बी सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज पिलर साइमल्टेनियसली इन साइमल्टेनियस। तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। ए बी सी जो है उस पिलर पे स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। इन वन चांस ए कैन क्लाइंब, वो 6 मीटर तक जा सकता है ऊपर, और 6 मीटर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाता है, तो यानी एक क्लाइंब में वो 5 सेंटीमीटर कवर करता है ए। वहीं अगर बी की बात करें तो बी 7 सेंटीमीटर ऊपर जाता है फिर 3 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो वो एक क्लाइंब में 4 सेंटीमीटर तक कवर करता है। सी की अगर हम बात करें तो सी 6.5 सेंटीमीटर तक ऊपर जाता है और 2 सेंटीमीटर स्लिप करता है, यानी 4.5 सेंटीमीटर वो एक उसमें जाता है ऊपर। अगर हर एक को 40 चांसेस चाहिए पिलर के टॉप तक पहुंचने के लिए, तो उसकी हाइट क्या होगी? तो एक बात तो ध्यान रखो, एक उसे हाइट तक पहुंचना है, एक बार हाइट पे पहुंचने के बाद वो स्लिप करेगा, तो यानी जो 40th जो लास्ट उसका चांस होगा तो उसमें वो पूरा उसको गिनेंगे, यानी ए के केस में पूरा 6 सेंटीमीटर लेंगे, बी के केस में 7 लेंगे और सी के केस में 6.5 लेंगे। तो 39 चांसेस में वो क्या करेगा, वो 6 सेंटीमीटर ए ऊपर चढ़ेगा और 1 सेंटीमीटर गिरेगा, तो यानी वो 5 सेंटीमीटर इफेक्टिवली बढ़ेगा आगे। बी वहीं पे 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा और सी वहीं पे 4.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 39 × 5 कितना आता है आपका 195 ही आएगा ना, 39 × 5। तो सेकंड आपका आ जाएगा बी, बी 39 × 4 कितना आएगा, 39 × 4 आपका आ जाएगा इट इज 6 12 12 और 3 ये आपका 156 हो जाएगा शायद, आई होप 156 इसका हो रहा है, और 39 × 4.5 तो 39 × 4.5 कितना आपका आ जाएगा, इट शुड बी अराउंड 39 × 4.5 एक बार कर लेते हैं, इट इज 175.5 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा इवन 39 × 4, तो ये हो जाएगा। इसमें आप प्लस कर दो इनका इंडिविजुअल, तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, तो सी के लिए है, तो इसमें 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 201, इसमें 7 प्लस करेंगे आ जाएगा 165, इसमें आप 6.5 प्लस करोगे तो आ जाएगा 182। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 163 आनी चाहिए, तो इट शुड बी ऑप्शन बी। तो जो छोटा पिलर होगा सबसे वो होगा बी के पास और उसकी हाइट होगी 163। मैं दोबारा बताता हूँ क्या कर रहा है हमने, देखो 40 बार वो चढ़ेंगे, 40वीं बार में तीनों के तीनों टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं ए का केस लूँ तो देखो 39 चांसेस तक तो पहले चढ़ेगा फिर गिरेगा, इसने पूछा है ऊपर चढ़ने का, उसने ये नहीं पूछा कि ऊपर चढ़ने के बाद वो ऊपर बैठेगा, उसने सिर्फ टच करने की बात की है, तो 40th पोजीशन में वो टच कर देगा उसको, जब उसका 40वां चांस होगा तो टच कर देगा, तो उसमें हम स्लिपिंग वाला पार्ट नहीं लेंगे, जहां पे वो स्लिप करता है गिरता है वो वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो 39 चांसेस में वो एक बार चढ़ रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है, तो हम वहां पे इफेक्टिव लेंगे, इफेक्टिव में क्या हुआ 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा और 1 सेंटीमीटर गिर गया, तो एक चांस में वो 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है ए, ठीक है। 40th के अंदर क्या करेगा, वो 40th के अंदर पूरा 6 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, उसके बाद जो गिरेगा गिरेगा उससे हमारा मतलब नहीं, वो लेकिन टॉप को टच कर देगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले 39 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसमें 6 प्लस कर दिया तो टोटल हाइट आ गई। फिर बी के लिए भी हमने यही किया, वो 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है 3 गिरता है तो 156, 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है तो 40th चांस हो गया, 40th चांस में क्या आ गया 163। सेम हमने सी के साथ किया, 6.5 चढ़ता है 2 सेंटीमीटर गिरता है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज डिस्कशन, लेट्स मीट टुमारो।